सारे पत्ते खाकर ही ये मस्ती करेंगे। देखो इसने यूम को कैसे मारा, और अभी तक ये फ्लावर ब्लूम मॉर्निंग में ब्लूम हो चुका था ये शायद, और अभी तक ये टिका हुआ है। अदरवाइज फर्टिलाइज़र नहीं होती तो ये गिर गया होता था कब का। तो फ्रेंड्स अब हम लोग हमारे टेरेस पे आ गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा बकरों के साथ हम लोग खेलेंगे, थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपने कुछ प्लांट्स जो यहाँ पर मैंने लगा के रखे हैं, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग बकरों को देखते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये चारों अपने पत्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको पता है अभी पत्ते आने वाले हैं, मम्मी पत्ते लाने गई, और देखो कैसे सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। और ये इसी कैरेट में लोग खाते हैं पत्ते, तो सबके सब इसी के आसपास खड़े रहेंगे। तो ये इसी टाइम का वेट करते हैं, क्योंकि पहले हम लोग इनको 2 से 3 टाइम पत्ते देते थे, और ये लोग अपना जो मेन फीड है वहाँ पर उसको खाना कम कर दिए थे, तो अब हम लोग सिर्फ शाम को पत्ते देते हैं। तो अब पत्ते आ चुके हैं, और अब इनकी फाइटिंग मस्ती सब शुरू होगी। अब ये लोग खाएंगे और एक दूसरे को मारेंगे भी, तो देखते रहो इनकी मस्ती। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बदमाश है ना, वो पठान है, वो जो जिसके ऊपर ब्लैक लाइन है, जो अभी देख रहा है मेरे स्टिक के पास, ये नहीं, ये सुल्तान है इसके पीछे वाला, जो अभी खा रहा है, जिसके गर्दन पे थोड़ा सा वाइट पैच है, वो सबसे बदमाश है, वो खाएगा और अब इन सबको मारेगा। अपने भाई सुल्तान को नहीं मारता है वो ज़्यादा इन दोनों को ही मारता है। तो अगर इनको एक जगह पे रोकना होता है तो हम इन्हें पत्ते डाल देते हैं, जब तक पत्ते ख़त्म नहीं हो गए ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है, सारे पत्ते खाकर ही ये मस्ती करेंगे। देखो इसने यूम को कैसे मारा, ए पठान मस्ती नहीं तो ये स्टिक है ना, इनको हम लोग मारते हैं नहीं है वैसे, लेकिन ये क्या स्टिक रखनी पड़ती है ताकि थोड़ा सा डरा के रखें, क्योंकि इनको अगर थोड़ा डराएंगे नहीं तो ये फिर अपनी मन मर्जी करते हैं। अभी ये ऐसे ही करने वाले हैं, ये दोनों बच्चे इनके बीच में आएंगे, अजवा और रूम, तो ये पठान और सुल्तान दोनों इनको मारेंगे। सॉरी, वो सुल्तान है और ये पठान है। तो मैं सोच रहा था इनका एक एंट्री वीडियो बनाऊं सबका धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले ही मैंने व्लॉग में इनको इनके नाम बता दिए थे, तो अब बनाना काफ़ी अजीब लग रहा है। फिर भी अगर हो सका तो मैं इनका एंट्री वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। देखो कितने शरीफ बनकर ये पत्ते खा रहे हैं, और ये जितने नीचे पत्ते गिरे हैं ना, ये कुछ नहीं छोड़ने वाले, सारे पत्ते खा जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि ये लोग ऊपर खड़े रहकर सुसु करना पसंद करते हैं, तो अब ये सीधा आकर इसी पे खड़े हो जाएंगे। ये दोनों भाई आपस में लड़ाई ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जब करते तो बहुत बुरी लड़ाई करते हैं। अभी तक मुझे चांस मिला नहीं है रिकॉर्ड करने का, अगर मिला तो मैं शॉर्ट्स में ज़रूर डालूंगा वो वीडियो। तो अब चलो, मैंने हमारे टेरेस पे कुछ प्लांट्स लगा के रखे हैं जो कि डेली यूजेस में हमारे काम में आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्लांट्स हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, तो 6 या 7 प्लांट्स होंगे। तो चलो देख लेते हैं वो सारे प्लांट्स एक एक करके, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ी बहुत जो डिटेल्स है और मेरा एक्सपीरियंस है वो भी साथ में शेयर करते रहेंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये हमारा लेमन प्लांट है, जिसके साथ में कुछ मैंगो के प्लांट भी है छोटे छोटे, जो कि अलग अलग पॉट्स में मम्मी ने लगा के रखे हैं, और ये हवा से उड़ ना जाए इसके लिए इनको साथ में बांध के रखा है। तो ये है वो मेन हमारा लेमन प्लांट, जिसको कागजी लेमन भी बोलते हैं, और ये काफ़ी बड़ा था फ्रेंड्स, 6 से 7 फीट का हो गया था,
और लेमन भी अच्छे देता था, बट बीच में इसने लेमन्स देना बंद कर दिए थे, तो इसकी कटिंग कर दी है मैंने। ये शायद मैंने तीसरी या चौथी बार इसकी कटिंग की है। ये अराउंड 12 इयर्स का हो चुका है अभी, तो इसने लेमन्स देना बंद कर दिए थे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर कुछ जो गोट्स है, गोट्स का जो भी वेस्ट निकलता है वो इसमें हमने डाल दिया है। तो अभी उसके बाद में इसके पत्तों की आप क्वालिटी देखो, काफ़ी ग्रीन कलर के लीव्स आ रहे हैं इसके, और यहाँ भी काफ़ी छोटे छोटे शूट्स आ रहे हैं, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। होपफुली ये इस बार लेमन दे देगा। इसके बाद ये हमारा चेरी प्लांट, तो इसको बारबेडोस चेरी प्लांट भी बोलते हैं। ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये मैंने ईबे से ऑनलाइन मंगवाया था, और इसकी जो हालत आप देख रहे हो, ये सब इन बकरों ने कर दी है। ये नीचे पड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी प्लांट था, इन लोगों ने इसको खा लिया था, तो इसकी वजह से इसकी स्टेम्स जो है वो इस तरीके से हो गई है। लेकिन अब ये फिर से अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, और इन बकरों की वजह से हमने इसको इस कॉलम पे रख दिया था, तो हवा आई और हवा की वजह से इसका ये जो पॉट है वो टूट गया। इसको हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे फिर कभी, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम टाइप का मैन्योर डाला है जो कि हमें गोट से मिलता है। काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं लोग खाते वक्त, और इस पर काफ़ी सारे चेरीज आते हैं जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, और मेरे घर के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इनको पसंद करते हैं, तो ये खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स देता है। मतलब खट्टे मीठे चेरीज आते हैं जो कि बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है नीम प्लांट, जो कि बहुत पुराना है, ये भी 11 से 12 साल पुराना प्लांट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी थिक हो चुका था और ऊपर ये काफ़ी लंबा चले गया था, तो इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया था करीबन 3 से 4 साल पहले। उसके बाद इसने ग्रोथ बहुत स्लो कर दी थी, और अब क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं होता था, तो यहाँ भी हमने गोट का जो है मैन्योर वगैरह, हरी पत्ती का जो भी वेस्ट निकलता है वो सब इसमें डाला है। तो इससे अब ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और अभी इस सीज़न में हर प्लांट के पत्ते जो है सूख के गिर रहे हैं, गिरना स्टार्ट हो गया है पतझड़ वगैरह। तो अभी ये भी नीम के लीव्स काफ़ी काम में आते हैं घर में डेली यूजेस में। नेक्स्ट हमारे पास है ये पिंक रोज प्लांट, जो कि मेरी मम्मी यूज़ करती है गुलकंद वगैरह बनाने में, और अगर आप इसका अगर शरबत में इसके पेटल्स आप डाल दोगे तो काफ़ी ज़्यादा खुशबू आने लगती है उस शरबत में से। तो ये भी अराउंड 11 टू 12 इयर्स पुराना प्लांट है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, और फ्लावर्स भी इसने काफ़ी दिए हैं, और जो हमने गोट के मैन्योर डालना शुरू किया है उससे ये भी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर में और काफ़ी वाइब्रेंट कलर में ये हमको फ्लावर्स दे रहा है। पहले इसके जो फ्लावर्स थे वो काफ़ी जल्दी गिर जाते थे, लेकिन अभी फर्टिलाइज़र मिलने के बाद, अभी आप देख सकते हो शाम का आई थिंक 6 बजे का वक्त है, और अभी तक ये फ्लावर ब्लूम मॉर्निंग में ब्लूम हो चुका था ये शायद, और अभी तक ये टिका हुआ है। अदरवाइज़ फर्टिलाइज़र नहीं होती तो ये गिर गया होता था कब का। एक और बड़ा पॉट है जिसमें कुछ मैंगो प्लांट भी उग गए हैं, और ऊपर ये जो इसका मेन प्लांट है आप देखोगे तो ये चीकू प्लांट है, तो ये भी चीकू वगैरह देता है हमें सीज़न में, और अभी इस पर फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये भी हमारे घर में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी तकरीबन 7 से 8 साल पुराना प्लांट है। इसके बाद ये हमारा लास्ट प्लांट है, जो कि काफ़ी सब इन सब प्लांट्स में सबसे नया प्लांट है, और ये हमारा इंडियन आलमंड प्लांट। तो इसके पत्ते मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, तो देखो इसके पत्ते कितने बड़े हैं, बिल्कुल मेरे हाथ के साइज़ के। और इसके जब लीव्स
सूख कर गिर जाते हैं तो मैं उन्हें ले जाता हूँ और अपने एक्वेरियम में यूज़ कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हरा भरा प्लांट है ये, और जितने भी प्लांट में हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है जो हमें बकरों से मिल रहा है, उसके बाद हमारे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई है इनकी एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे, काफ़ी ज़्यादा कलर आ गया है इनमें। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे टेरेस के कुछ प्लांट्स जो कि डेली यूजेस में हमारे घर में काम में आते हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स मैंने कम कर दिए क्योंकि अभी बकरे भी आ गए हैं, ये लोग नीचे कुछ भी रखने नहीं देते। तो काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने अपने फ्रेंड्स को और अपने आसपास के बिल्डिंग वालों को दे दिए हैं ताकि वो लोग भी इंजॉय करें इस चीज़ को। और टाइम हो गया इस व्लॉग को एंड करने का, अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।